मुंबई निवासी गौरव वर्तमान में साइकिल से कन्याकुमारी से कश्मीर तक सफर कर रहे हैं। वहीं उन्होंने साइकिल से शुरू किया कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफर, साथ ही रास्ते में वो लोगों को दे रहे हैं मोटिवेशन टिप्स। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है सफर की कहानी। उनका यह सफर 15 अगस्त से कन्याकुमारी से शुरू हुआ। करीब 2400 किलोमीटर तक साइकिलिंग कर रविवार को वह महू पहुंचे। यहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। यहां एक मॉल में सेमिनार के माध्यम से तनाव को कम करने के लिए उन्होंने 11 तकनीकों पर विस्तार से जानकारी दी। गौरव ने बताया वह भी कभी समस्याओं से गुजरते थे। डिप्रेशन के कारण लोग बहुत परेशान रहते हैं और इससे बाहर नहीं आ पाते हैं। साइकिल यात्रा के दौरान वे विभिन्न शहरों में सेमिनार के माध्यम से तनाव मुक्त को लेकर टिप्पणी दे रहे हैं। उन्होंने बताया करीब 4500 किलोमीटर की 72 दिन की यात्रा है। 25 अक्टूबर को साइकिलिंग कर वैष्णो देवी पहुंचने का लक्ष्य है। अभी 2000 किलोमीटर की यात्रा और बाकी है। पूरी यात्रा के दौरान उनके करीब 100 सेमिनार विभिन्न शहरों में रहेंगे। अभी तक 45 सेमिनार हो चुके हैं। रविवार से 3 दिन इंदौर में वह सेमिनार करेंगे। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर कॉलेजों में जाएंगे और लोगों को मोटिवेट भी करेंगे। राइड एक बहुत बड़ा सोशल कैंपेन है नेशनल लेवल का, जिसमें मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ कन्याकुमारी से कश्मीर तक। और सोशल कॉज जो लिया है वो है फाइट अगेंस्ट डिप्रेशन, जिसके अंदर मुझे 100 सेमिनार्स करने हैं पूरे कंट्री के अंदर और 10,000 लोगों तक इस मैसेज को पहुँचाना है कि डिप्रेशन क्या होता है और डिप्रेशन से कैसे हमें बाहर आना चाहिए। सो दिस इज 72 डेज कैंपेन वेयर आई हैव स्टार्टेड ऑन 15th of August 2019 एंड आई वॉन्ट टू रीच वैष्णो देवी जम्मू एंड कश्मीर ऑन 25th of October 2019।